हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार चिकन से रिलेटेड रेसिपी लेके, जिसका कि नाम है ऑरेंज चिकन। ऑरेंज चिकन बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ऑरेंजेस, एंड मैं बिल्कुल भी कलर का यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो अगर आपको ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लग रही हो, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड स्टे कनेक्टेड। ऑरेंज चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन लेग्स को अच्छी तरह से धो लिया था, उसको बाइट साइज पीसेस में कट भी कर लिया है। अब इसको मैरिनेट करूँगी। उसके लिए ऐड कर रही हूँ सॉल्ट टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। एक एग को अच्छी तरह से बीट कर लिया था, उसको ऐड करूँगी। फिर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्न फ्लावर, 2 टेबलस्पून ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर एंड 2 टीस्पून ऑफ लाइट सोया सॉस। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देन आई विल कीप इट असाइड इन द रेफ्रिजरेटर फॉर 1/2 hour to 1 hour। After 1 hour, bring the chicken back from the refrigerator and start deep frying it. Deep fry करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, एंड इसमें मैं चिकन पीसेस को फेस बाई फेस ऐड करके मीडियम फ्लेम में तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए एंड गोल्डन ब्राउन के ना हो जाए। अब मैं बनाने वाली हूँ एक सॉस जिसके अंदर की फ्राइड चिकन ऐड होंगे। इसके लिए पहले आएगा द स्टार इंग्रेडिएंट, दैट इज ऑरेंज। मैंने यहाँ पे 2 ऑरेंजेस लिए हैं ये साइज़ के, जिसमें से मुझे 150 ml ऑफ ऑरेंज जूस मिल गए हैं। आपके ऑरेंजेस के हिसाब से जूस निकाल लीजिएगा। फिर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस, यहाँ पे मैंने लाइट सोया सॉस लिया है। फिर मैं ऐड करूँगी 2 टीस्पून ऑफ विनेगर, फिर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून ऑफ चॉप गार्लिक एंड 1 टीस्पून ऑफ चॉप जिंजर एंड फ्यू चिली फ्लेक्स। इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और एक बॉयल आने तक वेट करूँगी। जब इसमें बॉयल आ जाए, फिर इसको सिम में कर ले और 2-3 मिनट के लिए अच्छे से सिम में पका ले। सॉस को पकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब इसको थिक करने के लिए मैं थोड़ी सी पानी में 1 टीस्पून करीब कॉर्नफ्लावर को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया था, उसको ऐड कर रही हूँ। एंड मीडियम फ्लेम में इसको मैं पकाऊंगी जब तक कि ये सॉस थोड़ी सी थिक ना हो जाए। अब आप देख सकते हो सॉस थिक होने लगी है। अब इसमें जो फ्राई करके चिकन रखी थी वो ऐड कर लूँगी, एंड इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम में और 2-3 मिनट के लिए पकाऊँगी। एंड उसके बाद जो ऑरेंज चिकन है वो रेडी हो जाएगा सर्व करने के लिए। तो कैसी लगी आपको ये ऑरेंज चिकन की रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। एंड अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।